इस तरह से जिंदगी में जियो जैसे सब कुछ आज में है और आज ही सब कुछ है। आज को बहुत अच्छे से जी लो। तुम जब अपने मित्रों के साथ होते हो तो कितने खुश होते हो, और यही कारण है कि खींच कर मैं तुम्हें दफ्तर भेजता रहता हूँ, ताकि थोड़ी देर ही सही तुम चिंता के माहौल से, अपने घर के तनाव वाले माहौल से बाहर निकल पाओ। बाहर दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत दुख होने के बाद भी उससे भी कहीं ज्यादा सुख है। तुम्हारे घर के कुछ लोग तुम्हारे रास्ते को काटने की कोशिश करते हैं, पर तुम ध्यान दो, वो कट नहीं पाता। और जो दुनिया है ना, वो बहुत बड़ी है, वो हर समय तरक्की करना चाहती है, हर समय आगे बढ़ते रहना चाहती है। ऐसे में तुम अपने पांव पीछे कैसे कर सकते हो? तुम्हें भी अपने पांव आगे करने पड़ेंगे। मैं ये जानता हूँ कि जिन लोगों के साथ तुम्हें खुशी मिलनी चाहिए थी, जो तुम्हारा परिवार था, है भी, पर जब उसी में कुछ लोग गलत कर जाते हैं, कुछ लोग धोखा दे जाते हैं ना, तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं समझता हूँ कि लोग अपने को खोने से डरते हैं और तुम अपने लोगों के साथ रहने में डरते हो। तुम्हारे मन का भार जो है, उसे मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ, उसका वजन मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं तुमसे फिर भी एक बात कहूँगा, कोई बड़ा नहीं है यहाँ, सब समान है। जो लोग बहुत विशालकाय दिखते हैं, वो भी मेरे चरणों की धूल के समान है, बल्कि वो मेरे चरणों की धूल के समान है, पर तुम मेरी बगिया के प्यारे से फूल हो। समझो मेरी बातों को कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। खैर, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखाऊँगा, तभी तुम समझोगे। अक्सर जब जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है ना, उससे पहले उथल पुथल होती है जो तुम्हारी जिंदगी में हो रही है, इससे घबराओ मत। और अगर चार लोग आपस में मिलकर घूम फिर रहे हों, थोड़ी मौज मस्ती कर रहे हों, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हें भूल गए हैं या तुम्हें छोड़ दिया है। ये बस इत्तफाक था कि उस वक्त उन चारों का मिलना हुआ और तुम्हारा नहीं हुआ। छोटी छोटी बातों में किसी से ज़्यादा नाराज मत हुआ करो। तुम्हें जिंदगी बहुत बड़ी नज़र आती है ना, पर सच कहता हूँ उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम सोचते हो। तुमने खुद ही ध्यान दिया होगा कि कभी कभी एक साल की योजना बनाते हो, सोचते कुछ और हो, होता कुछ और है। तो वैसे में तुम्हें जिंदगी को बहुत बड़ी समझकर सबसे रूठ कर कैसे रह सकते हो? सबको माफ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। खुश रहो, बहुत खुश रहो।